क्या था कि डेट फोर को नागालैंड जाने का तैयारी था, प्लानिंग था, लेकिन अभी हम लोग फिर डिस्कशन किया कि नागालैंड नहीं जाएंगे। नागालैंड जो है हम लोग बाद में जाएंगे, हॉर्नबिल के बाद एंड ऑरेंज फेस्टिवल होने के बाद ही जाएंगे, आराम से अच्छे से घूमेंगे, क्योंकि अभी हम लोग फोर को जाएंगे एंड डेट सिक्स को आएंगे तो एक दिन या फिर दो दिन ही घूम सकेंगे वहाँ पे ना। इसीलिए हम लोग प्लानिंग किया कि बाद में जाएंगे, लेकिन आराम से पूरा घूम के आएंगे नागालैंड जितना डिस्ट्रिक्ट है ना, मोकुचुंग हो गया, मोन डिस्ट्रिक्ट हो गया सब। मतलब पूछ रहा था कि रुपम कहाँ है बोलके, तो रुपम ब्रो जो है अपना काम में बिजी है, वो शायद हम लोग का पार्टनरशिप नहीं करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो पर, उम्मीद करते हैं आपसे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। सो गाइस, ये देखो कल हम लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत किया तो इतना तक हो पाया है। देखो हम लोग का काम जो है अभी थोड़ा बहुत प्रोग्रेस में जा रहा है, तो आज का चैलेंज जो है यहाँ से पूरा कट के जाना है, ऊपर और ऊपर तक जाना है, बहुत ऊपर तक जाना है। तो गाइस बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा आप लोग, अभी जो जो ऑरेंज डम्बुक फेस्टिवल में आना चाहता है तो आप लोग आइए, एडवांस बुकिंग कीजिए, आपके लिए बहुत सारा ऑफर रहेगा, ठीक है। तो ये देखो ऐसा टू मैन टेंट जो है हम लोग यहाँ पर 50 जैसे सेटअप करेंगे, साथ में कुछ हम लोग इंक्लूड करेंगे, कुछ नए नए यहाँ पे जो शायद आपने कहीं और नहीं देखा होगा वो सब हम लोग यहाँ पे डालेंगे, तो आप सबको अपडेट मिलते रहेंगे। फिलहाल जो अभी थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे करता था थोड़ा पहले, तो अभी फिलहाल सभी लोग थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग खाना वाना बनाएंगे और फिर से काम शुरू करेंगे। सो देख सकते हो बढ़िया। अभी हम लोग जो है काम को जो है डिवाइड किया है, ये पार्ट जो है पम खत्म करेगा एंड ये पार्ट जो है मैं खत्म करूंगा, यहाँ से मतलब वहाँ से लेके वहाँ, एंड हमारा कोटिया जो है खाना बनाएंगे हम सबके लिए वहाँ पे बढ़िया से। और खाना जल्दी बनाओ, अभी बनाएगा, एक बार खाना तो सेकंड में पक गया, तुम लोगों का काम लेट होगा, एडिट कर रहे हैं जल्दी करो। हाँ, लेकिन कमी नहीं होना चाहिए खाना पीना में एकदम। और ये भी एडिट कर रहे हैं फोटो, सॉरी वीडियो एडिट कर रहे हैं। क्या ये सला, तो देखो दो मशीन आ गया, वहाँ पे एक मशीन है, यहाँ पे एक मशीन है, तो वो जो ख़राब है और ये जो सही है, तो इसको यूज़ करेंगे हम लोग। तो देखो हो गया हूँ रेडी, कुछ ऐसा सेटअप हो गया मेरा, चलो चलते हैं। ब्रेकफास्ट करते हैं, बहुत जोरों की भूख लगा है। देखो यहाँ पे कल का सब्जी चिकन एंड ये खाना जो है मिलम दोस्त ने बना दिया था, तो चलो खाते हैं बढ़िया से, भूख लग गया, फिर से काम शुरू करते हैं ये खाने के बाद। तो गाइस दो दिन में इतना कट पाया हम लोग, देखो यहाँ पे आज का था वो यहाँ से लेके हम लोग यहाँ काटा आज मॉर्निंग को, यहाँ से यहाँ लेके यहाँ वहाँ तक, देखो इतना सुंदर लग रहा है ना। देखो वहाँ पे है टेन एंड यहाँ पे भी जितना भी पेड़ का नीचे ना पूरा टेन बिछाएंगे बढ़िया से यहाँ पे, एंड वहाँ पे होगा स्टोर एंड वहाँ पे होगा किचन एंड इसके पीछे होगा ये टॉयलेट, और टॉयलेट के सामने है मतलब और एक बहुत सुंदर स्पेस है यहाँ पे, तो हम लोग वहाँ पे डीजे नाइट वगैरह कुछ कराएंगे अच्छे से सुंदर से। सो गाइस सपोर्ट कीजिएगा, आएगा डम्बुक ऑरेंज फेस्टिवल पर, इंडिया पे कहीं नहीं बनाते हैं, सिर्फ डम्बुक पे आपको देखने को मिलेगा, ये बहुत सुंदर से सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो अभी ऑरेंज भी पक रहा है, ऑरेंज जो है ये दिसंबर लास्ट में पूरा पक जाएगा बढ़िया से, तो ये देखो। एंड बहुत लोग पूछ रहा था कि रुपम कहाँ है बोलके, तो रुपम ब्रो जो है अपना काम में बिजी है, वो शायद हम लोग का पार्टनरशिप नहीं करेगा, पहले तो पार्टनर में था लेकिन अभी जो वो नहीं करेगा बोला है, कुछ काम में बिजी बोला है वो, जो कोई बात नहीं। तो हम लोग का पार्टनर तीन है अभी, कोटिया हम एंड पम, तो हम तीनों हैं। और अभी ये ऑरेंज फेस्टिवल जो 12 to 15 तक है, तो हम लोग शायद नागालैंड चला जाएंगे, तो टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं नागालैंड नहीं जाएंगे, नागालैंड नहीं जाके इसको अच्छे से हम लोग करेंगे, ये करेंगे प्रमोट करेंगे एंड सफाई वफाई तैयारी करेंगे, पूरा प्रिपरेशन करेंगे। तो हम लोग का पहले क्या था कि डेट फोर को नागालैंड जाने का तैयारी था, प्लानिंग था, लेकिन अभी हम लोग फिर डिस्कशन किया कि नागालैंड नहीं जाएंगे, नागालैंड जो है हम लोग बाद में जाएंगे, हॉर्नबिल के बाद एंड ऑरेंज फेस्टिवल होने के बाद ही जाएंगे, आराम से अच्छे से घूमेंगे, क्योंकि अभी हम लोग फोर को जाएंगे एंड डेट सिक्स को आएंगे, तो एक दिन या फिर दो दिन ही घूम सकेंगे वहाँ पे ना। इसीलिए हम लोग प्लानिंग किया कि बाद में जाएंगे, लेकिन आराम से पूरा घूम के आएंगे नागालैंड जितना डिस्ट्रिक्ट है ना, मोकुचुंग हो गया, मोन डिस्ट्रिक्ट हो गया, सब अच्छे जगह, बहुत सुंदर सुंदर जगह है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हम लोग का, तो वहाँ पे अच्छे से घूम के आएंगे नागालैंड। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल तो शायद नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोग का जो बहुत सारे दोस्त लोग जा रहे हैं वहाँ पे, रुपम जा रहे हैं, मोनो लोग जा रहे हैं एंड ये समीर भैया लोग जा रहा है, चुको भाई लोग जा रहा है, और भी बहुत लोग, जितना भी अरुणाचल का यूट्यूबर्स है ना अभी नागालैंड जा रहे हैं बहुत लोग, तो होगा वो लोग को जाने दो, उन लोग का ब्लॉग में दिख लेंगे। एंड नागालैंड तो जाने का तो बहुत मन है, लेकिन हम लोग इस बार नहीं जाएंगे, इस बार हम लोग क्या है कि ऑरेंज फेस्टिवल होने के बाद ही जाएंगे। तो पहले जो हम लोग यहाँ पे मेन फोकस यहाँ पे करेंगे, जो अपना जो बिजनेस पर,
इसके बाद ये अच्छे से पैसा वैसा लेके घूमने जाएंगे बढ़िया से। तो नागालैंड से जितना भी सब्सक्राइबर्स है, फ्रेंड्स है, रिलेटिव है, प्लीज़ आप लोग अखरा मत पाएगा, ठीक है। हम लोग आएंगे ऑरेंज फेस्टिवल होने के बाद अच्छे से घूमेंगे, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे तब ना। नहीं तो हॉर्नबिल में तो बहुत बिजी शेड्यूल से घूमना पड़ेगा, ऐसा हो रहा था तो हम लोग प्लानिंग किया, ठीक है। तो देख सकते हो अभी हम लोग ना फिर आज तेजू निकल जाएंगे। एक्चुअली ये कोटिया का ये है भैया का शादी पार्टी है, तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, ये जितना हम लोग सकल ट्राई किया वो वहाँ से लेके वहाँ कटा एंड यहाँ से लेके ऊपर तक कटा बढ़िया से। हाँ वाह देखो कोटिया भी बहुत मेहनत किया, पूरा गंदा हो गया मेरा बच्चा, ओह मेरा मुन्ना कमांडो, ये देखो वाह छोटा छोटा खोखरी के साथ में इसको थोड़ा दाग कर लेते हैं। अच्छा दाग करेगा, अच्छा। और पम्पम का भी बर्थडे आ रहा है 27 को, आप लोग विश कीजिएगा, ठीक है। अभी कितना साल का होने जा रहा है आप 27 को बताइए सर जी, हा? कितना साल का होने जा रहा है 27 को? 27 27 को 27 ईयर पर होने जा रहा है। अरे बच्चा है तब तो तुम, मेरा तो 28 हो गया है अभी। काफ़ी थक गया अभी, एक दोस्त का वहाँ पे जाएंगे रोइंग पर, वहाँ पे जाके ठीक से नहाएंगे धोएंगे बढ़िया से, और हाँ कुछ नहीं उसके बाद फिर निकल जाएंगे तेजू की ओर। तो अभी इसको ये मशीन को ना यहाँ सामने रिजॉर्ट है वहाँ पे रख के जाएगा, आके फिर यूज़ करेगा, क्योंकि ये बहुत दाम वाला है तो हम लोग यहाँ पे रख के जाएगा तो चोरी भी हो सकता है, इसीलिए रख के आए थे। भारे ये कोटिया घर ही में आ रहा है और यहाँ पे फुटबॉल खेलते खेलते जा रहा है। तो मशीन को जो यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे एक बहन काम करता है रिजॉर्ट पे, यहाँ पे रख दिया। तो फिर अभी हम लोग जाएंगे, जाते जाते कुछ कुछ पट्टा वगैरह काट के जाएंगे, तेजू में काम आएगा शादी पार्टी में। हाँ तो चलो चलते हैं, आज गाड़ी मालिक का पीछे पीछे रख देते हैं। लो अच्छा चलाओ, इतना बताएगा अरे क्लास में दो नंबर लगा रहे हो, जाबे जाबे बनने के गाड़ा साला। ओ ड्राइवर साहब 2500 क्लास, ओए कोटे 500 क्लास दो, क्लास दो, क्लास दो, चले आ रहा जल्दी। वाह ऊपर सांस हो गया इसका दे। तो यहाँ से ले जाता हूँ संतरे, फ्रेश फ्रेश ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, ये देखो डम्बुक का। तो ये मैं ले जा रहा हूँ ट्विन सिस्टर के लिए, वो लोग जो है लेके आओ बोला है, ठीक है। तो ले जाते हैं गाइस, यहाँ पे डाल देते हैं ट्विंस मुम्बा करके ले। अभी हम लोग यहाँ पे पट्टा काटने के लिए रुका हुआ है जंगल पर, देखो डम्बुक और रोइंग का रास्ता के जंगल के बीचों बीच यहाँ से काटेगा, यहाँ से इधर से भाई टी पट्टा थोड़ा काट के ले जाएंगे। कम ऑन निर्दोष रियल जंगली यार, ज़्यादा नहीं चाहिए हो जाए काफ़ी है। ये देखो ये है लोकल ऑर्गेनिक पट्टे, अक्सर शादी वादी पूजा वूजा में ये पट्टा यूज होता है हमारा अरुणाचल प्रदेश पर। और गाड़ी आ रहा आगे में थोड़ा धीरे से चलते हैं। अब कोटिया ने पाड़ा है, ये मेरा साले साहब है, साले साहब ये मुझे अपना तेरा साला तुमको धरता है तुम ऐसे बहन देगा बट्टा यार है ये मेरा साला, तू भी मेरा साला कैमरामैन, कैमरामैन मेरा साला, दो दो वाइट भागो भागो यार। अभी नहा धो के थोड़ा रोइंग बाजार घूमने आया हूँ, यहाँ पे देखो सोच रहा हूँ थोड़ा बाल बाल कट लूंगा यहाँ पे, देखते वाह नया नया कंस्ट्रक्शन बन रहा है यहाँ पे, ये है रोइंग मगर अंदर पे है ये जो है फिलहाल जो, वाह हा हा हा। अभी हम लोग यहाँ पे ना रोइंग पे स्लीपिंग बैग देखने आया है, क्योंकि हम लोग को ना टेंट आया वो टेंट सेटअप करेगा तो इसलिए स्लीपिंग बैग बहुत ज़्यादा चाहिए, कम से कम 50 तो जैसा चाहिए, 50 पीस चाहिए। कितना पड़ेगा मलिक? एक का 900, उसमें हम लोग राइडिंग जो करते हैं ना अब तो 900 होने से बहुत ज्यादा चला जाएगा, तो अगर ज्यादा लेंगे तो और भी कम नहीं क्वालिटी वाला शर्ट डबल के लिए, ये छोटा वाला, ये सिंगल, ये सिंगल 50 पीस लगा ना 700 रुपये लगा, 700 लास्ट सिंगल में लेता हूँ, और थोड़ा कमती करो दोस्त यार। तो जहाँ पे कमती होगा वहीं पे लेंगे हम लोग, पूरा एक साथ लेंगे।
सच कर रहे अभी सच। तो साइड से कटूंगा यहाँ पे साइड से इस बार मैं सोच रहा हूँ लंबा पाड़ने के लिए। तो देखो यहाँ पे बजा का यहाँ पे काटने आया रोइंग पर। अच्छा से काट देना भाई जी। क्या नाम है भैया आपका? दीपक भैया जी। वाह, आप अकेले काम करते हैं यहाँ पे? छुट्टी और भी है ना। अच्छा, कहाँ से हो भैया जी आप? बिहार से। बिहार का पटना? बेगूसराय। अच्छा चलो चलो बढ़िया। थोड़ा सा हैंडसम होते हैं, फ्रेशअप हो जाते हैं एकदम बढ़िया से। चलो स्टार्ट कीजिए भैया जी। आपका दुकान का नाम क्या है भैया? स्टाइली जेंट्स पार्लर। अच्छा, ये जो है ड्रॉइंग पे है, आप भी यहाँ पे आके कटवा सकते हो भैया। यहाँ पे क्या क्या होता है आपको? यहाँ पे हेयर कटिंग, हेयर स्पा, बॉडी मसाज, फेशियल एंड हेयर पार्लर कलर। अच्छा, बहुत कुछ यहाँ पे फैसिलिटीज है, आप यहाँ पे आके करवा सकते हैं। बढ़िया से करवा दीजिए। फाइनली काट लिया। देखो साइड से काटा और यहाँ से काटा। देखो आप लोग ना फ्रेश एकदम। वाह चलो, और हमारा दोस्त ने भी काट लिया। क्या नाम था दोस्त आपका? नाम कलवा। कोटिया ने नया नाम दिया एंड मुझे क्या नाम दिया? डबल बैटरी। तो चले अभी यहाँ से चलते हैं भैया के यहाँ से कटवा लिया बढ़िया से। अभी बंद करेगा? चलो भैया। मार्केट से आने के बाद मैं फिर थोड़ा सा सो गया था क्योंकि बहुत थक गया था, आज दिन भर काम किया ना तो पूरा ये पेन कर रहा था। तो ऐसे रेस्ट कर रहा था तो मैं सो ही गया था। तो बस अब उठा हूँ तो सोच रहा हूँ ब्लॉग को जो है भी एंड कर लेता हूँ। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर।